Hello, my dear student of standard 10th. Welcome to you once again. And today we are going to start chapter number 2, that is Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Art. Basically, I am going to cover this chapter into 4 parts. So this is the part 1. But before I can start with my lecture, I have something for you. Friends, आपको मेरे साथ एक श्लोक बोलना है. ओके, लेट्स बिगिन. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. मैं चाहता हूँ आप जैसे मेरी बात पूरी हो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगातार नॉन स्टॉप 11 बार 11 टाइम्स आपको ये बोलना है. ओके, सो जस्ट पॉज इट. ओके, नाउ कैसा लग रहा है आपको? रिलैक्स फील हो रहा है ना? सो बेसिकली हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि हमारा माइंड एकदम शांत हो जाए. और ये हम लोग यूजुअली सुबह बोलते हैं. और अगर सुबह ही हमारा अगर माइंड शांत है तो मीन्स हमारा हम लोग पूरे दिन के लिए तैयार हैं, ऑल सेट. सो हम भी लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग भी अब रिलैक्स हो चुके हैं एंड अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो बेसिकली दिस चैप्टर इज वेरी नॉलेजेबल. ये चैप्टर ऐसा है कि हम लोग बस पढ़ते जाएं और कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा. वेरी गुड चैप्टर आई कैन से. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट. भारत का नाम ऐसे ही दुनिया में फेमस नहीं है, है ना? क्योंकि इंडिया ने कुछ ऐसे किए, ऐसे काम किए और वो सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन हम लोग करते हैं. आई थिंक लाइन टू लाइन ही पढ़ते ज़्यादा बेटर रहेगा. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ रिच कल्चरल हेरिटेज. सो ये तुम तो कोई डाउट नहीं है, हमारा कल्चर बहुत ही रिच है. इट इंक्लूड द मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज. अ चाइल्ड इनहेरिटेड फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स बाई बर्थ इज नोन एज द जेनेटिक इनहेरिटेंस. जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है? एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी साथ में लेके आता है. से फॉर एग्जाम्पल, एक अपने एक इंसान को, किसी भी एक इंसान को आप एज्यूम कर लो कि वो बहुत अच्छा गाता है, तो ये नेचुरल है कि उसका जो बच्चा है वो भी नेचुरल एक अच्छा ही गाता होगा, है ना? कुछ लोगों के जीन्स में यानी खून में ही होता है, म्यूजिक होता है. फिर आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके बच्चे भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं. कुछ फैमिली ऐसी होती है जो डॉक्टर्स के बिलोंग करती है, उनके फैमिली में सब डॉक्टर्स ही होते हैं. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी फैमिली से आते हैं. सो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है. यहाँ पे हमारी फिजिकल, कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जिनकी सबकी बॉडी कद काठी स्ट्रेट होती है एंड देर आर सर्टेन पीपल जिनका माइंड बहुत साफ चलता है. सो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो बच्चा अपने साथ अपने जीन्स में लेके आता है जो उसे उसे पेरेंट्स से मिले. वेयर एज लैंड हाउस स्टेट लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंसेस्टर इज कॉल्ड द मटेरियल हेरिटेज. सो जेनेटिक इनहेरिटेंस बच्चा पैदा होकर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको जो ये चीज़ें मटेरियल चीज़ें जो मिलती हैं वर्ल्ड से, उसको हम लोग मटेरियल हेरिटेज में इंक्लूड करेंगे. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली मैन ऑब्टेन और क्रिएट्स विद हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. लेकिन जो चीज़ वो अपनी अपने नॉलेज से अपने हेरिटेज से गेन करता है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है, अपनी स्किल्स यूज करता है और कुछ चीज़ें बनाता है. सिमिलरली वॉट एवर मैन ऑब्टेन और क्रिएट इंटेलेक्चुअल एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज. ओके, सो ये लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. इन द सेम मैनर ट्रेडिशन कस्टम रिचुअल एंड स्पेशली टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल अडोप्टेड बाई द एंसेस्टर इज ऑल्सो नोन एज द कल्चरल हेरिटेज. हमारे एंसेस्टर है ना, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज है. फ्रेंड्स, आजकल की लाइफस्टाइल से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ. रीज़न, क्योंकि हम लोगों ने ना यूजुअली हमारा जो इंसानी शरीर है वो चलने के लिए डिज़ाइन हुआ है. हम लोग जितना वॉकिंग करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है. लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? बस एक जगह पड़े रहते हैं. हमको मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलनी है, हमको टीवी देखना है, एंटरटेन होना है, पर हम लोग ना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. हाँ, कुछ लोग थोड़े जो हेल्थ कॉन्शियस है वो जॉगिंग करने जाते हैं, रनिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, बट यूजुअली वो थोड़े से फिट एंड फाइन रह सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आप एक जगह बैठे ही रहोगे पूरा दिन तो नहीं काम चलेगा, फिर आपके बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियाँ होंगी एंड ऑल डेट.
हमारे जो पूर्वज थे वो इतने बीमार नहीं पड़ते थे, क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क हम भी करते हैं पर कंप्यूटर बैठ के, पर वो इसको हम लोग हार्ड वर्क नहीं कहेंगे, वो लोग खेतों में हार्ड वर्क करते थे, उसमें बहुत सारा चलना फिरना होता था। लेकिन आजकल हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमको बस एक जगह बैठे रहना है और पीसी पे काम करना होता है। सो इट इज़ माई एडवाइस टू यू कि हम लोग भी थोड़ा अपने आप को फिजिकली एटलीस्ट एक्टिव रखें। इन एडिशन अदर मैटर लाइक द एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डेली लाइफ, फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, बिलीफ एंड स्किल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमारा एजुकेशन आ गया, ओके, हमारी जो परंपराएं हैं पढ़ने की हम लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं, फार्मिंग के जो मेथड्स हैं वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन समाज के द्वारा बनाए गए हैं, कैसे हम लोग अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, एंटरटेनिंग करने के भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि रामलीला मैदान में हम लोग रामायण देखने जाते हैं। वैसे तो मोबाइल फ़ोन पे भी अवेलेबल है पर तो भी आज भी लोग जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारे आर्ट और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, ये सब हमारी कल्चरल हेरिटेज को शो अप करता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं, समवेयर ओवर हियर। इंडिया बींग अ एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज़ इट्स बेस्ट ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, डोगमा, कस्टम एंड फैमिली सिस्टम। आई डोंट नो बट लेट मी टेल यू कि इंडिया का जो कल्चर है ना वो सबसे वर्ल्ड में सबसे पुराना है एंड वो सबसे यू कैन से बेस्ट भी है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हमारी ट्रेडिशन है, हमारी समाज की सोशल वैल्यूज़ हैं एंड ऑल दैट। इसके अलावा ये डोगमा होते हैं, ये हमारे सोसाइटी के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, कस्टम एंड द फैमिली सिस्टम एंड ऑल दैट। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करके रखें। देर आर रेफरेंसेज ऑफ द 64 आर्ट्स ऑफ एंशंट लिटरेचर। तो ऐसी कुछ 64 आर्ट्स बताई गई हैं हमारे एंशंट लिटरेचर में। दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप, कसब आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट, डांस एंड एक्सेट्रा। तो ये तो हमको थोड़ा थोड़ा पता ही है, लेकिन इतने टाइप की होती हैं ये नहीं पता था। तो 64 टाइप की आर्ट्स होती हैं जो हमारी एंशंट लिटरेचर में कहा गया है। अवर एंशंट करेंसी वेयर ऑल्सो वैल्यूबल। एंशंट करेंटी हैं जो पुरानी करेंसीज हैं, जो पुराने टाइम पे हमारे जो रोज की ज़िंदगी में जो हम लोग पैसे यूज़ करते थे, डेट इज़ कॉल्ड करेंसी, जो पुराने टाइम पे, वो आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द विजिटर्स और टू अटैक इंडिया। आज भी आप देखो, कल मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अभी ड्यू टू द लॉकडाउन टेम्पल्स की कमाई कम हो गई है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो केरला में है, सिद्धि विनायक जो अपना महाराष्ट्र में, ओके, सिद्धि विनायक, फिर आई थिंक बालाजी, ये कुछ टेम्पल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोना चढ़ाया जाता है। ओके, सो जब पहले के राजाओं को पता चलता था ना कि इतना इनके पास गोल्ड है तो वो लोग अटैक करते थे इंडिया पे, और बहुत बार सोमनाथ टेम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार उसको तोड़ा गया है, प्लस लूटा भी गया है। एनी हाउ, सो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। टूडे द एजुकेशन ऑफ योगा हैज़ बिन कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। लेकिन जो योगा है उसको भी हमने अपना पार्ट बनाया है। योगा क्या करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे बॉडी को शांत करता है। ओके, जिसे हम लोगों ने भी ये 11 टाइम्स गायत्री मंत्र कहा था, लाइक डैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली 21st हेरिटेज विच हैज बीन एक्सेप्टेड द होल वर्ल्ड, कॉन्सिक्वेंटली 21st of June सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योगा डे इन द होल वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे हम लोगों ने बनाया 21st को। 21st जून हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अर्थ के सबसे लॉन्गेस्ट डे भी होता है। सो लेट्स मूव अहेड। बिफोर आई कैन स्टार्ट, यू कैन सी आर्ट ऑफ, अच्छा, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। सो इसमें हम लोग इंडिया की अलग अलग जो टाइप्स की आर्ट्स फॉर्म है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसन। द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज इज लाइंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड इट्स आर्टिसन।
तो ये हमारे जो इंडिया की ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं हमारी आर्ट फॉर्म में दिखती है। दे आर स्किलफुली डेवलप्ड वेरिड लाइफ स्टाइल एंड पीपल थ्रू देयर रिमार्केबल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, वुडन वर्क, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर। आई थिंक ड्राइंग पेंटिंग में पता नहीं क्या फ़र्क होगा, ये तो आज मैं भी सर्च करूँगा। लेदर इंडस्ट्री, इनेबल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, डायमंड वर्क, ये सारे ना आपको एक अलग अलग टॉपिक्स आएंगे और ये पूरा चैप्टर नंबर 2 ही है। ओके, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप, निटिंग वर्क हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्ले वर्क से। ओके, सो बिफोर आई शुड गो फॉर अ क्ले वर्क, क्ले वर्क क्या होता है? मिट्टी से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं दैट इज कॉल्ड क्ले वर्क। दिवाली के दिन हम लोग जो दिए जलाते हैं वो किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। हमारे घर में जो मटके रखे हुए हैं, यूटेंसिल्स, तो वो भी किसके हैं? मिट्टी के हैं। एंड वो कैसे बनते हैं? वेल, आई वुड ड्रॉ योर अटेंशन एंड यू जस्ट वॉच दिस पिक्चर। ओके, तो एक व्हील होता है, उस व्हील को बेसिकली गोल गोल घुमाया जाता है एंड फिर उसमें गीली मिट्टी को रखा जाता है। आई थिंक उनकी स्पेशल टाइप की मिट्टी होती है एंड इसमें से वो घूमते हुए पहिए के ऊपर वो डिजाइंस बनाते हैं। कभी पर्सनली जाके देखना उनको कैसे बनाते हैं। ओके, यू विल फील अमेज। एंड इससे ये लोग ये दिए बना रहे हैं, पानी के मटके बनते हैं और भी हमारी घर में बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी बनती हैं। ओके, सो ये हमारा क्ले वर्क। आगे बढ़ते हैं। मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशंट टाइम। तो बहुत पुराने टाइम से हम लोग क्ले वर्क यूज़ कर रहे हैं। द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। ओके, जन्म से लेके जब तक वो दफन नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी वो एक्टिविटी होती है जिसमें क्ले वर्क तो होता ही है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, क्ले थिंग्स वेर यूज एबंडेंटली। सो मेटल के इन्वेंशन से पहले बेसिकली क्या हुआ करता था? हमारा क्ले वर्क ही हुआ करता था। टॉयज, पॉट्स, पिचर्स, अर्थन लैम्प, क्ले स्टोव जिसको हम लोग चूल्हा कहेंगे, क्लेस वेयर्स वेर मेड बाय द पोटर्स टू स्टोर ग्रेन्स, घी, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड। मैक्सिमम किचन वेयर्स वेर मेड ऑफ क्लेस। तो पुराने टाइम पे तो हम लोग इस ये जो मटके होते थे इसमें हम लोग यूजुअली अपने अनाज स्टोर किया करते थे। अगर आप लोगों ने भगवान कृष्णा की स्टोरी सुनी होगी तो मटकियों में से माखन चुरा के खाया करते थे। ओके, सो दूध, दही, माखन, ये सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड मैक्सिमम हमारी जो चीज़ें होती हैं किचन की वो यूजुअली क्ले से ही बनी होती हैं। एंड इवन जो चूल्हा जिससे हम लोग पहले खाना पकाया करते थे, वेल वो भी क्ले वर्क की ही देन है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द हाउसेज क्यूबास एंड हंट वेयर पेस्टर बाय द पेस्ट ऑफ द काउडंग एंड क्ले। पुराने टाइम पे जो फीमेल्स थी वो यूजुअली अपने घर को घर की जो पुताई थी, जो पेंटिंग थी, वो यूजुअली बहुत सारा क्ले प्लस गाय का गोबर और ये लगाती थी। आजकल अभी देखो मैं थोड़ी थोड़ी देर में कभी कभी यूँ करता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ मक्खियाँ मच्छर आ जाते हैं। सो यूजुअली अगर हम लोग ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर क्ले और काऊ डंग का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ पे इंसेक्ट आएंगे ही नहीं, क्योंकि काऊ का जो डंग जिसको हम लोग गोबर कहेंगे उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंसेक्ट को आने ही नहीं देते। इसलिए पहले के लोग ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर वाले घर बनाएंगे, टाइल्स वाले घर बनाएंगे एंड ऑल डेट। सो पुराने लोग जो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो सही है। बस हमको थोड़ा अपने आप को थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एनी हाउ, वी हैव गॉट मैनी क्ले यूटेंसिल एंड रेड कलर डेट बिलोंग टू द लोथल, मोहनजोदारो, हरप्पन कल्चर, एंशंट टाइम। तो हम लोगों ने ये सारी जितने भी ये मैंने अभी सिविलाइजेशन के नाम लिए, इन सब जगह भी क्ले वर्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। पोटर व्हील इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर द क्ले वर्क इन एंशंट टाइम। अभी हमने देखा वो जो पहिया गोल गोल घुमा रहे होते हैं। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा, डेट मीन्स पिचर हैविंग द होल्स कंटेनिंग द अर्थन लैम्प इन साइड इन नवरात्रि। तो नवरात्रि में भी एक मटकी होती है एंड आई थिंक हम लोग एक ऐसी मटकी, एक ऐसा दिया भी जलाते हैं जो लगातार 9 दिन तक जलता है। उसके बीच में से हम लोग छोटे छोटे होल्स रखते हैं
ताकि उसको ऑक्सीजन मिले और ज़्यादा हवा भी ना लगे, ताकि वो बुझना जाए। आगे बढ़ते हैं नीचे वाले पैराग्राफ में। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल एंड बेक्ड क्ले एज वेल एज द अनबेक्ड क्ले टेराकोटा सिंस एंशिएंट टाइम। और इंडिया की बात करें तो हम लोग ये सारे के सारे क्ले की चीज़ें तो यूज़ कर ही रहे हैं, प्लस हम लोग जो अनक्ले कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्ले से नहीं बनती हैं, तो उसको हम लोग टेराकोटा की कैटेगरी में रखेंगे, और वो भी हम लोग आज से नहीं हजारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। दिस इज़ नोन बाई सींग ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल फाउंड इन द नागार्जुन कुंडा इन साउथ इंडिया एंड लालगंज मेहसाणा। तो ये हमारी सिविलाइजेशन के में भी इसको हम लोगों ने देखा है। सो ये हमारा क्लेवर को गया। फ्रेंड्स, क्लेवर का आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्लेवर का आप शॉर्ट नोट एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेल, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो यू कांट स्किप इट आउट। आगे बढ़ते हैं। नाउ आर्ट ऑफ वीविंग। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन एंड कॉटन बॉल्स स्वब वेयर जॉइनिंग देम टूगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। जो हम लोग पहले हम लोग धागे बनाते हैं एंड फिर वो धागों से हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पिन करते हैं, तो बड़े बड़े धागे बन जाते हैं एंड फिर उसमें से हम लोग कलर यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। वी ऑल नो डैट गांधी जी हैज़ गिवन अ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड जॉइंट इट विद द स्वदेशी टू मेक अ सेल्फ रिलायंट अंडर द बैनर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट विच हैज़ क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। फ्रेंड्स, सच में ऐसा लगता है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। बिफोर 100 ईयर्स हमारे यहाँ पे पूरे इंडियन मार्केट में ब्रिटिश का गुड्स होता था एंड गांधी जी उस टाइम पे क्या कर रहे थे, अवॉइड फॉरेन गुड्स एंड हमको स्वदेशी यानी अपने देश का ही सामान यूज़ करना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज पूरे मार्केट में चाइनीज सामान भरे पड़े हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एनी हाउ, तो जितने भी मेरे ये स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी फील्ड में हो, प्लीज़ अपने देश को आत्मनिर्भर बनाइए। आई वॉन्ट कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री को, क्योंकि लगभग 85% मार्केट अभी जो सेलफोन्स का है उसने चाइना का कैप्चरिंग है। ओके, मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी चाइना से ही है, बट आई विल मेक श्योर कि जब मैं नेक्स्ट हैंडसेट परचेस करूँ तो वो नॉन चाइनीज़ हो। नॉन चाइनीज़ मतलब चाइना के अलावा कोई और कंट्री भी हो सकता है, अगर वो इंडियन हो तो ज़्यादा बेटर है, बट इंडियन कंपनी मोबाइल फ़ोन्स में इतनी अपग्रेडेड नहीं है और उतने फीचर्स नहीं देती हैं जितनी दूसरे देश की कंपनीज देती हैं। एनी हाउ, यू ऑल्सो बी केयरफुल एंड डोंट। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। हैंड वीविंग यानी जो हाथ से बनने वाली चीज़ें होती हैं। सिंस एंशिएंट टाइम वी नो डेट अ टेक्सटाइल नो हाउ। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, जो कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है उसको हम लोग टेक्सटाइल कहते हैं, और टेक्सटाइल में कैसे काम होता है वो सब हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इट इज़ वेल नोन डैट होल पीस ऑफ क्लोथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज टाका और फाइन मुस्लिन ऑफ ढाका कुड ईजिली पास थ्रू अ रिंग। यानी हमारे पास इतनी एक्सपर्टिज्म है ना इसमें कि हम लोगों ने एक छोटी सी रिंग में से पूरी की पूरी मुस्लिन ऑफ ढाका हम लोग निकाल सकते हैं। और यू कैन सी, ये जैसे कि चटाइयाँ हैं, कुछ डेकोरेटिव फॉर्म्स हैं, तो ये डिज़ाइंस बनाने में कितनी एनर्जी लगी होगी, कितना उन लोगों ने दिमाग लगाया होगा, यू कैन वन जस्ट कांट इमेजिन। आगे बढ़ते हैं। कुड बी एडजस्टेड इन अ मैच बॉक्स, तो उसको एक वन मैच बॉक्स में भी रखा जा सकता है। आई डोंट नो, ये मैंने कभी प्रैक्टिकली तो देखा नहीं है। मोर ओवर कारपेट यानी जो भी आप लोग ऊपर अभी आपने ऊपर देखा, हैव सेवरल डिजाइन निटिंग वर्क एंड एट्रेस ऑफ आर्टिस्ट एक्सेट्रा ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस अमंग देम पटोला ऑफ पाटन एंड कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी बांधनी एंड राजस्थान हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। इसमें भी पाटन के पटोला बराबर कांजीवरम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ स्पेशली, बांधनी फ्रॉम राजस्थान, ये पूरी वर्ल्ड फेमस है। आई वुड लाइक टू शो यू पटोला ऑफ पाटन। ये मैंने गूगल पे सर्च किया था, आई थिंक मेरी इमेज, हाँ, सो यू कैन सी एंड यू कांट इमेजिन। जब मैं इसको यूट्यूब पे, मैं इसको गूगल पे सर्च कर रहा था, सो ये कुछ जो फर्स्ट इमेज जो मेरे ऊपर है,
$3,567. कैन यू इमेजिन, ये 2,10,000 की साड़ी है। ओके अच्छी बात है, बिकेगी तो हमारे कंट्री में फॉरेन रिजर्व आता है। एनी हाउ, सो ये हमारे पार्टनर पटोला है जो दोनों तरफ से हम लोग पहन सकते हैं, बदल बदल के पहन सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ द सोलंकी एरा, गुजरात हैज प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। तो इसका डेवलपमेंट गुजरात में कब से शुरू हुआ? सोलंकी पीरियड के टाइम पे, जो आज से कुछ तकरीबन 1,000 साल पहले हुआ करता था। ड्यूरिंग द रीजन सिद्धराज जयसिंह एंड मैनी आर्टिसन, जिसको हम लोग वीवर्स कहेंगे, केम एंड सेटल इन पाटन। तो उनके टाइम पे बहुत सारे आर्टिसन और वीवर्स आए थे जिन्होंने, जो आके पाटन में बस गए। लेट मी रिमाइंड यू, उस टाइम पे गुजरात का जो कैपिटल था वो पाटन था, अहिलवाड पाटन। ओके एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सॉरी द पटोलास ऑफ पाटन बिकेम द वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल। तो पटोला ऑफ पाटन, अभी हमने जस्ट उसके फोटोज देखे हैं। वे आप बनारसी साड़ी एंड ये कांचीवरम भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो इफ़ यू फील कि कैसे दिखते हैं। देन दिस आर्ट ऑफ द पाटन इज मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। सो मैंने आपसे कहा जस्ट ये 1,000 साल पहले की बात है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसन हैव द स्किल फॉर सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। सो ये टाइम कंज्यूमिंग आर्ट है, अगर वो एक साड़ी बनाते हैं तो उसमें उनको बहुत टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है, वेल यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यू कैन सर्च इफ़ यू फील। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते, बट जितना हमको बुक में दिया है हम लोग उतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द सिल्क वेयर वीवर इट प्रोड्यूस इन द पाटन इज कॉल्ड द पटोला ऑफ पाटन। इक्थ मीन्स वीविंग। दिस टाइप ऑफ साड़ी वेयर डिजाइन इन सच अ मैनर डेट इट कैन बी वोन ऑन आइदर साइड। सो उसको दोनों तरफ से बदल के पहना जा सकता है। दिस टाइप ऑफ पटोला इज वेराइटी हैज गुड ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर रिमेन्स इंटैक्ट। यानी ये कभी भी अपना कलर छोड़ता नहीं है और बहुत ही अच्छे से इंटैक्ट रहता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। सो आई थिंक आपके वार्डरोब में फीमेल स्पेशली ये होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज़ गुड ड्यूरेबिलिटी। सो इसकी मतलब इस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं एंड इट्स ओरिजिनल कलर रिमेन इंटैक्ट। देयर इज अ सेइंग इन द सेम रेफरेंस। एक गुजराती में कहावत है, ओके पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो पाटन का जो पटोला है वो मतलब फीका पड़ जाएगा एक बार, आप बहुत बार लगातार कंटिन्यूअसली पहनोगे तो नॉर्मल सी बात है, 5 साल बाद उसमें उसका थोड़ा कलर तो थोड़ा डिम तो होगा पर वो कभी फटेगा नहीं, इतना वो बढ़िया होता है। द डिज़ाइन लेट डाउन इन पटोला सेल नेवर फेड इवन इफ द क्लोथ मे टर्न। अगर आपका कपड़ा फट भी जाता है तो भी वो रंग छोड़ेगा नहीं। डेट इज वॉट दे वॉन्ट टू से। एनी हाउ एम्ब्रॉयडरी पे आते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क एक तरह की डिजाइनिंग वर्क होती है जो नॉर्मल कपड़े को और भी एनहांस और अट्रैक्टिव दिखाती है। वेल बिफोर गोइंग फॉर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सी कच्छ में जो जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बन्नी कम्युनिटी भी उनको कहा जाता है, वो इस टाइप का कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। यू कैन सी एक सिंपल से कपड़े पे उन्होंने बहुत सारे डिजाइनिंग पैटर्न बनाए हुए हैं। अब मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम ये वाली पिक्चर देखो तो उसमें वो लोग उन्होंने ये डिजाइन्स बनाए हुए हैं। उसके साइड में आ जाओ तो पिंकी से एंड मेरी इमेज के जस्ट साइड में आपको जो फोटो दिख रही है एम्ब्रॉयडरी ऑफ कच्छ इन इंडिया। सो ये भी बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। अब मैं अपनी इमेज हटाता हूँ सो यू कैन फील कि ये कैसे कैसी एक्चुअली में दिखती है। सो ये जो वर्क किया गया है डेड इज कॉल, आप मेरी इमेज के ऊपर भी देख सकते हो, एम्ब्रॉयडरी ऑफ जाट बन्नी कम्युनिटी ऑफ कच्छ। सो ये तो थी गुजरात की बात, लेकिन इंडिया में और कहाँ कहाँ पर ये जो एम्ब्रॉयडरी की कला है वो हम देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स और द आइडल एंड द स्टैचू विच हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ द हरप्पा एंड मोहनजोदारो। ओके सो एम्ब्रॉयडरी का वर्क सिर्फ कपड़ों पे ही नहीं, कुछ मूर्तियों पे भी देखा गया है। और ये जमीन में से जब हमने हरप्पा एंड मोहनजोदारो की चीज़ें निकाली तो उसमें भी हमको इस चीज़ की
झलक देखने को मिलती है। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन एंड वुमन एंड चिल्ड्रन आर वेरी फेमस फॉर एंशंट टाइम। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी हुआ करता था एंड बच्चों को तो बहुत पसंद था। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन एंड वुमन एंड ऑफ द चिल्ड्रन इन द सिंध सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन एट द टाइम ऑफ द इंडस वैली। सो इंडस वैली के आसपास के एरियाज में ही ये ज़्यादा फेमस था। सिमिलरली कश्मीरी कसब वर्क ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो वेल नोन। तो कश्मीर भी कहाँ पीछे रहेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी बांधनी ऑफ जामनगर जेतपुर भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। तो ये जितनी भी जगह है बेसिकली ये गुजरात की हैं एंड इनके एम्ब्रॉयडरी वर्क भी अपने अपने आप में ही खास बनती है। द ट्रेडिशनल सेरेमनी ऑफ बांधनी विद ऑल इट्स लस्टर एंड ड्यू टू द ब्यूटिफुल डिजाइंस ऑफ एलिफेंट पपेट टाइज पीचर्स इज वेरी पॉपुलर। तो बेसिकली इसमें एलिफेंट की डिजाइन बनाते हैं, पपेट्स की डिजाइन बनाते हैं, टाइज की डिजाइन बनाते हैं। ये मतलब ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि लोगों को ये डिजाइन ज़्यादा पसंद आती हैं। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाई द वुमन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। तो यूजली फीमेल्स इसमें ज़्यादा एक्टिव हैं इन सब आर्ट में। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी तोरण चकड़ास पिलो कवर बेड शीट्स सक तडोलिया क्लोथ लाइक केडिया इज वेल नोन इवन टूडे। तो इस आर्ट फॉर्म का एक जगह पे नहीं, कपड़ों पे नहीं, बहुत अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है। ओके चाहे आपके तकिए के कवर ही क्यों ना हो गए लाइक दिस। सो इन सब पे भी इनका जम के इस्तेमाल किया जाता है एंड बेसिकली ये सब एम्ब्रॉयडरी का ही पार्ट है। सो बेसिकली मेरा भी ध्यान चला गया कि मेरे पिलो पे भी एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिजाइनिंग कुछ की हुई है। सो आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क वॉज कैरिड आउट क्विक एंड सॉल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। एम्ब्रॉयडरी ऑफ द चाट कम्युनिटी इन द बन्नी एरिया, सो बन्नी एरिया यूजली ऑफ द कच्छ हैव द यूनिक इन इट्सेल्फ। सो हम लोगों ने इसकी बात की। अब हम चलते हैं हमारी लेदर इंडस्ट्री की तरफ। ओके लेदर यानी चमड़ा, और लेदर इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। स्किन्स ऑफ डेड एनिमल वेर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन एंशिएंट टाइम। तो पहले के ज़माने में जब एनिमल्स मर जाया करते थे तो उनकी स्किन का हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। सो उसकी स्किन को एक तरह से हम लोग प्रोसेस किया जाता था। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मसक अ लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर। तो हम लोग लेदर को, जो लेदर का एक बैग आता है जिसको हम लोग मसक कहते हैं, वो कैसा दिखता है? वेल वो भी मैंने आपके लिए सर्च किया हुआ है, सो जस्ट हैव अ लुक। हाँ ये रहा। सो एज यू कैन सी, मैंने इमेज ऐसी जगह पे रखी है कि आपको अच्छे से दिखे। इन द फर्स्ट इमेज यू कैन सी कि एक आदमी वो बड़ा सा मसक किया है। आई थिंक अभी केसरी मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें लास्ट फाइट में एक बंदा सबको कसब से पानी पिला रहा होता है। अगर आपको मूवी देखी होगी तो आपको, अगर आपको वो सीन भी याद होगा तो। सो बेसिकली इसको बनाया जाता है एंड ये पानी कैरी करने के लिए यूज किया जाता था पुराने टाइम पे। इवन आज भी हम लोग कर सकते हैं पर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है एंड हम लोग आजकल वो मिल्टन सेलो की स्टील बॉटल्स यूज़ करते हैं। जापानीज लोग तो आजकल उन लोगों ने तांबे की कॉपर की बोतल यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया है कि भाई इंडिया के लोग जो कॉपर में पानी पीते हैं दे आर द बेस्ट। फिर धीरे धीरे इंडिया में भी ये फैशन आ जाएगा। सो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेदर इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स ड्रम ढोलक तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बिलो यूज इन अ ब्लैक स्मिथ एंड वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर लेदर बेल्ट एंड टाई एनिमल्स है ना। तो ये जो लेदर है ना इसका हम लोग सिर्फ पानी पिलाने के लिए नहीं, बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते थे। जैसे कि जो ब्लैक स्मिथ है लोहे वाला तो वो भी अपनी लेदर का यूज़ करता है। इसके अलावा हम लोग जो शूज़ पहनते हैं वो भी लेदर से आते हैं। इवन बेल्ट्स आती हैं वो भी लेदर से बनी हुई होती हैं। लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द सेल्ड विच यूज ड्यूरिंग द वॉर। सेल्ड यानी एक तरह का वो जो कवच होता है तो उसमें भी लेदर बैग यूज़ किया करते थे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई कवच पहन के रखा है। अब वो जो कवच है ना तो वो आउटर बाहर से तो पूरा आयरन है लेकिन अंदर उसके एक लेयर होते थे लेदर के, जिसे अगर कुछ जोर से हिट करता है तो वो क्या है कि अंदर से हमको सॉफ्टनेस फील हो, अंदर से वो चीज़ हर्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक अ कुशन मटेरियल पहले यूज़ किया जाता था।
लेदर इंडस्ट्री हैज प्रोमिनेंटली प्लेस इन एंशिएंट इंडिया, सो मैं तो कहता हूँ आज भी है। वेल निक्ड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, ओहो राजस्थान की मोजड़ी तो क्या कहना। सी फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड है और उसका पाँव इतना बड़ा है कि यूजुअली उसके साइज के जूते मिलते ही नहीं है। सो जब भी राजस्थान जाता है अपने लिए दो तीन जूते सिलवा लेता है लेदर के। सो क्या कर सकते हैं, अब मार्केट में अवेलेबल ना हो तो। सो शूज, लेदर निक्ड पर्सेस, पर्सेस भी बनते हैं, बेल्ट बनती हैं, एंड थिंग्स मेड अप ऑफ द लेदर फॉर द हॉर्स एंड केमल लाइक साज, पालन, लगाम एंड वेल वेर वेरी मच इन यूज। तो एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए जो लगाम होती है, जो एक तरह की रस्सी होती है, उसमें भी हम लोग लेदर का यूज़ करते हैं। इवन एनिमल्स के ऊपर जो बैठने के जो कुशन टाइप मटेरियल होता है वो भी लेदर का ही होता है। सो फ्रेंड्स, लेदर इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी है, तो आपको ये दो पैराग्राफ आपकी एग्जाम में मेंशन करने पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो ये थे हमारे लेदर। अब आते हैं डायमंड बीड एंड इनेबल वर्क। अब ये होता क्या है पहले ये देखते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने ऊपर सर्च किया था बीड वर्क इंडिया। सो यू कैन सी एक तरह से धागा होता है, धागा में छोटे छोटे मोती पिरोए जाते हैं, एंड उसको या तो हम लोग कपड़ों पे यूज़ करते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करते हैं। फीमेल जो मटका रखने के लिए जो कुशन टाइप का मटेरियल रखते थे उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट उसमें भी यूज़ किया जाता है। एनीवन हम लोग तो आजकल तो हाथों में पहनने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। सो ये होता है बीड वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनेमल वर्क, सो इनेमल वर्क कुछ इस टाइप के होते हैं जिसमें मोती लगाए जाते हैं अलग अलग ऑर्नामेंट्स में। आई थिंक अभी तो प्राइजेस भी दिए हुए हैं। सरदार सिंह डिजाइन 299, पेरोरा इंडियन ट्रेडिशनल 829, सरदार जैन। फीमेल्स को लगता है आज जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं आज पक्का शॉपिंग करने तो जाएंगी जाएंगी। आगे चेरी वर्क आएगा तो हम लोग वो बाद में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड एंड शुरू करते हैं। सी इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो तीन तरफ से समुद्र से सराउंडेड है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, यहाँ बराबर। ओके, सो डायमंड है, बीड वर्क है, तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। सो इन रत्नों को, इन जेम्स को, इन डायमंड्स को हम लोग पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं और हम लोग इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इवन हमारे कंट्री में नहीं, हम लोग दूसरे कंट्री में भी जाके इसको सेल करते हैं। सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन, बट मैं डायरेक्टली इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा खींच चुका है। सो डायमंड और ऑर्नामेंट्स पे इस तरह के जो इनेबल वर्क होते हैं ये हम लोग स्टड करते हैं, एंड ये फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। जो वर्ल्ड फेमस जो कोहिनूर है, तो कोहिनूर हो गया, ग्रेट मुगल हो गया, तो ये सारे डायमंड्स हैं ये आज ही पाए जाते हैं एंड ये उसी का ही एक रूप है। तो इंडिया में डायमंड और बीडेड ऑर्नामेंट तो हम लोग बहुत पहले से देखते ही आ रहे हैं, और ये यूजुअली जो रॉयल पीपल थे, जो बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वो इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या आता है पहले आप इसको अलग से गूगल में सर्च कर सकते हो। डायमंड, रूबीज, बीड, इनेमल, टोपाज, तो ये सारे एक रतन आते हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग रत्नों का बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आप ये वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला टोपेज, रूबी, डायमंड, जो भी बोलते हैं वो लोग। इवन हम लोग उसको अपनी ज्वेलरी में, ब्रेसलेट में यूज़ करते हैं। बीड वर्क है ना गुजरात का, वो भी बहुत फेमस है, तो उसके लिए कुछ लिखा हुआ है तोरण पच्छी, यानी इस टाइप का कुछ होता है चकड़ा, तो एक यूजुअली एक ट्रेडिशनल वॉल पीस है। फिर डोर बेल में भी हम लोग बारी में भी इसको यूज़ करते हैं। इवन डेकोरेटिव कोकोनट यूज इन द टाइम ऑफ द सेरेमनी, लग्नना नारियल न, ओके, सो इसको भी हम लोग स्पेशली बीड और इनेबल वर्क का यूज़ किया जाता है। इंधोनी, मोढ़िया, अ नेट विच कवर द माउथ ऑफ द बुलॉक हॉर्न्स, ओके, सो एनिमल्स पे भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हैंड फैंस, हाथ से बनने वाले जो पंखे थे, अभी तो फैंस और कूल एसी आ गए, बट पहले के टाइम पे वो लोग पंखे बनाते थे और उसमें भी ये बीड वर्क का यूज़ किया जाता था। बीड वर्क एंड इनेबल वर्क, दे कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन विच दे वॉन्ट, विच दे फील कम्फर्टेबल ऑल्सो। एनिमल ब्लैक कवर जूल, सो ये सब चीज़ें बनाई जाती थी।
सो इंडिया हैज़ बीन लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी, और ये तो हम लोगों को ज्वेलरी का तो कितना शौक है ही। प्लस इंडिया ने इनेमल वर्क में, गोल्ड वर्क में, सिल्वर वर्क में, इन सब चीज़ों में उसने एक तरह से एक्सपर्टिज्म हासिल कर रखी है, और इनके हमारे जो स्किल्स है वो अनमैचेबल है। इनेमल वर्क भी एक तरह से हमको उसमें हम लोग ब्राइट चीज़ों का यूज़ करते हैं। वंस अगेन इनेमल वर्क में आप देख सकते हो कि यूजुअली बहुत ही सबसे लास्ट में कि सिल्वर कोटिंग वाली पे उन लोगों ने कितने अच्छे से रेड कलर के जो स्टोन्स को फिक्स किया हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। एंड यही नहीं, ये लोग कभी गोल्ड पे लगाते हैं, कभी सिल्वर पे लगाते हैं, रिंग्स, बैंगल, हीयर रिंग्स, कीचेन्स, चेन, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया जो है इनेमल वर्क के लिए स्पेशली देर आर सर्टेन प्लेसेस जो जानी जाती हैं, लाइक जयपुर हो गया आपका, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। अब हम लोग आ जाते हैं जरी वर्क पे। तो पहले जरी वर्क क्या है पहले वो देख लेते हैं। मैंने भी आपके लिए थोड़ा गूगल पे सर्च किया था। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द जरी वर्क। यू कैन सी द डिज़ाइन, थोड़ा सा आपको अगर जूम करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, यू कैन सी। अरे भाई रुक जा। हाँ, सो ये बेसिकली आपका जरी वर्क हो गया, एंड ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, एज यू कैन सी। सो जरी वर्क ऑफ इज सीन इन इंडिया सिंस एंशंट टाइम। ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गोल्ड होता है ना, इसको बहुत ही पिघलाया जाता है और उसको थ्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो सोने की डोरी आप बोल सकते हो। सो थ्रेड होती है जो बेसिकली गोल्ड से बनी होती है, इवन सिल्वर की भी थ्रेड होती है। एंड इसको कपड़े में एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। एंड इस टाइप के कपड़े तो यूजुअली हम और आप लोग तो पहन ही नहीं सकते। ओके, कौन पहनेगा, जो बहुत पैसे वाला होगा, राजा महाराजा, उनकी उनकी महारानियाँ जो भी हैं। एनी हाउ, सूरत इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द जरी वर्क। सो सूरत इसमें बहुत आगे है। नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी एंड अ जरदोसी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। इवन आर्टिसन ऑफ द सूरत कुड मेक ब्यूटिफुल ड्रेसेज लाइक साड़ी, पन्नेतर, घर चोला एक्सेट्रा, बॉर्डर विद द जरी इफ नीडेड। सो ये उस काम में भी बहुत माहिर थे। ओके, आई डोंट थिंक आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, बट समवेयर आई एम एंजॉइंग दिस लेक्चर, एंड क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें जानने मिल रही थी। सो आई थिंक आपको ये फर्स्ट सेशन तो बहुत मजा आया होगा। बिलीव मी गाइस, सेकेंड थर्ड पार्ट भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी गायत्री मंत्र से, उससे हमारा माइंड रिलैक्स हो गया था, इसलिए हमको पढ़ने में मजा आया था। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 10th। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि कोई सम समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है। बिलीव मी, रिलैक्स योर सेल्फ, 11 times गायत्री मंत्र बोलो, यू विल फील रिलैक्स। एंड फिर देखो रिलैक्स माइंड के साथ काम करो, यू विल फील मोर एनर्जी एंड यू विल लर्न मोर फास्ट। सो यू गाइस आर अमेजिंग। फाइनली कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। बाय एवरी वन।